नमस्कार। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब यही डायलॉग आपको 24 लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगा। एक बार फिर विपक्ष पार्टियों का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि पीएम मोदी से है। 14 और 19 के चुनावी परिणाम इस बात के सबूत है कि पीएम मोदी को हरा पाना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक भविष्यवाणियों का मौसम आ चुका है। ये तो 24 की लड़ाई को लेकर, पीएम मोदी को लेकर और कांग्रेस समेत विपक्ष पार्टियों को लेकर देश के कई जाने माने संतों ने भविष्यवाणी कर डाली है। लेकिन अब एक ऐसे महायोगी की भविष्यवाणी सामने आई है जिनके चर्चे सात समंदर पार तक है। अब जाकर सामने आई पायलट बाबा की भविष्यवाणी। पायलट बाबा ने बताया 24 का भविष्य। पीएम मोदी पर पायलट बाबा की अंतिम भविष्यवाणी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। विंग कमांडर से संत बने, ये है महायोगी पायलट बाबा, जो 100 से भी ज्यादा बार समाधि ले चुके हैं और आज की तारीख में लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। बाबा के नजरिए से देखेंगे तो ध्यान से बड़ी साधना इस दुनिया में कुछ नहीं है, इनका ऐसा कहना है। पायलट बाबा कहते हैं कि ध्यान आपको खुद के अंदर छिपी तमाम शक्तियों से रूबरू कराता है। ध्यान सत्य से आपका साक्षात्कार करवाता है। पायलट बाबा से बनने का जो सफर कम दिलचस्प बिल्कुल नहीं है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पायलट बाबा की अंतिम भविष्यवाणी क्या कहती है। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पायलट बाबा ने 24 लोकसभा चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी की है। जब उनसे ये पूछा गया कि 24 में आप किसे पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो इस पर पायलट बाबा ने ये कहा, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं जो मोदी के विरुद्ध खड़ा हो सके। मोदी ना सिर्फ 24 बल्कि 2030 तक प्रधानमंत्री की गद्दी पर बने रहेंगे। बात अगर कांग्रेस की करूँ तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अभी नेता बनने में ही 10 साल और लगेंगे। तो पीएम मोदी के लिए जीत की हैट्रिक की भविष्यवाणी करने वाले पायलट बाबा कई दफा राजनीतिक भविष्यवाणियां कर चुके हैं जो बाद में सत्य भी हुई है। 14 और 19 में भी पायलट बाबा ने मोदी के आने की भविष्यवाणी कर डाली थी और अब 2030 तक देश की गद्दी पर पीएम मोदी के होने की बात इन्होंने कही है। हालांकि कुछ दिनों पहले नागालैंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये भविष्यवाणी करके वहां आए हैं कि 24 में गठबंधन वाली सरकार बन रही है और कांग्रेस उस गठबंधन का नेतृत्व करेगी। हालांकि देखिए इस बार पायलट बाबा की भविष्यवाणी कितनी सटीक निकलती है ये तो चुनावी परिणामों में साफ होगा। अब आपको ये जरूर बता दें कि बिहार के सासाराम में जन्मे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े और भारतीय एयरफोर्स में नौकरी कर चुके पायलट बाबा कैसे अध्यात्म की दुनिया से जुड़े। पहले अब यह जान लें कि बाबा बनने से पहले इनका नाम कपिल सिंह राजपूत था। पायलट से बाबा बनने के पीछे की कहानी ये कहती है, साल 1996 बतौर विंग कमांडर कपिल सिंह राजपूत मिग विमान उड़ा रहे थे। जैसे ही वापस बेसिक पर लौटने की तैयारी थी तभी विमान में तकनीकी खराबी आई और अचानक उनका विमान नियंत्रण खो बैठा। काफी कोशिशों के बाद ही हालात नहीं सुधरे और लगभग ये तय था कि विमान हादसे का शिकार हो जाएगा और उनका बचना लगभग नामुमकिन था। तभी विंग कमांडर कपिल सिंह को एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें उनके गुरु हरि बाबा खड़े दिखे। अचानक से चमत्कार शुरू हो गया और हरि बाबा की शक्तियों के सहारे उन्होंने विमान को सुरक्षित बेस कैंप पर उतार दिया। यही वो क्षण था जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब वो सेना की लड़ाई से दूर शांति और अध्यात्म का जीवन बिताएंगे और पूरी दुनिया को शांति के मार्ग पर ले जाएंगे। और उसी दिन से देश का पायलट महायोगी बन गया। कहते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद पायलट बाबा ने अपने गुरु के निर्देश पर हिमालय का रुख किया। हिमालय की नंदा देवी घाटी में 16 साल तक तपस्या की, ध्यान लगाया वहां और यहीं पर उन्होंने सत्य की खोज की और फिर दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने के लिए वापस लौटे। जो लोग पायलट बाबा को बहुत करीब से जानते हैं वो ये दावा करते हैं और अपने इस दावे को लेकर बताते भी हैं कि पायलट बाबा अब तक 100 से भी ज्यादा बार समाधि ले चुके हैं। इसमें सबसे उनकी लंबी समाधि 30 दिनों की थी, जबकि 9 दिन तक जल समाधि और एक दिन बिना ऑक्सीजन वाले कमरे में भी रहे। बहरहाल पीएम मोदी को लेकर पायलट बाबा की भविष्यवाणी में कहीं कोई सच्चाई क्या आपको नजर आती है, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर।
जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले, मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे, क्यों वो भरोसा करेगा? जिंदगी